कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? जी, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे बारे में आपको किसी गलत आइडियाज को अपने जहन में लाने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या? वापस आके बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामी आप परेशान नहीं हो, वो मुझसे नाराज है। अभी देखना, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों नाराज है तुमसे? मैंने ने हॉस्पिटल जाने के लिए कह दिया ना, इसलिए नाराज है। तुम्हारे कहने पे हॉस्पिटल गया है? वो रात हम बैठ जाते हैं ना उनके कमरे में, दुनिया जहां की बातें होती हैं। मैंने उनसे कहा मामू के लिए हॉस्पिटल चले जाया करें, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर कहने लगे तुम्हारे लिए चला जाऊंगा, वरना कभी नहीं जाता। तुम रात उसे कमरे में बैठती हो? मैं नहीं बैठती, वो मुझे बुलाते हैं। कसम से ऐसे हैं, मुझे बेबी की झूठी मामा कहते हैं। क्या मैं झूठी हूँ? मानी आपको पता है हमने बेबी का नाम रख लिया है, शादी रखा है। अच्छा है ना? हाँ? शादी को देख कर आती हूँ। वो मुझसे नाराज है, कहा था कि कॉल करेगी, नहीं की। क्या करूं, बहुत गिल्टी फील कर रही हूं। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है? किया है, शो मार रही थी, उसका मजाक उड़ाया, उसके दोस्त का मजाक उड़ाया। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई थी, जिंदगी भर नहीं भूल सकती। चलो, उसने अगर बातें सुना ली तो तुम गिल्टी क्यों फील कर रही हो फिर? क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं बात करूं उससे? क्या बात करूं? I don't know. मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम नहीं कर सकते मेरी हेल्प, क्योंकि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम का पता ही नहीं। चलो मैं ना सही, लेकिन कोई तो होगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता होगा। हाँ, पर अब नहीं है। क्या मतलब? कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? ऐसे क्यों पूछ रहे? मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है हया, लेकिन फिर भी। क्या मतलब? देखो हया, मैं एक वन वुमन मैन हूं, जिसे एक दफा चाहूंगा सारी जिंदगी सिर्फ उसी को चाहूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा, और जिसे चाहूंगा उससे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहे, और उसकी जिंदगी में ना मेरे से पहले कोई हो ना मेरे बाद। और इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक है? अभी नहीं, लेकिन हो तो सकता। अच्छा प्लीज बताओ ना, तुम पागल हो? कोई है या कोई था? आर यू श्योर कि ये इसीलिए आया? हाँ हाँ, फरीसा ने मुझे खुद बताया है। अच्छा, कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है सलमान, इतनी अच्छी लड़की है, इतने दिनों से यहाँ रह रही है, इतनी बेलौसी से हमारे काम आ रही है। हादी का दिल तो जीतना ही था ना उसने। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हादी इतनी जल्दी अरूसा को कैसे भूल जाएगा। इसमें ऐसी क्या बात है? मैं तो कहती हूँ अगर फरीसा हादी को पसंद है तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि उसे वो पसंद है भी कि नहीं? हमसे तो वो सीधे वो बात ही नहीं कर रहा। आप ही उस पे बिगड़े चले जा रहे थे। मैं कितना मना कर रही थी आपको, टाइम देना चाहिए इंसान को संभलने का, ये थोड़ी कि उसके पीछे ही पड़ जाए इंसान। अच्छा अच्छा, बस ना, अब ये बताओ कि करना क्या है। मैं बात करती हूँ। आर यू श्योर फरीसा से?